हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल रीड पोएम थर्ड कीपिंग क्वाइट अबाउट द पोइट पैब्लो नेरुडा इज द पेन नेम ऑफ नफ्तली रिकार्गो राइसिस बसाल्टो वॉज बोर्न इन द टाउन ऑफ पैरल इन चिली। ये जो पैब्लो नेरुडा है ये इनका सिर्फ पेन नेम है। पेन नेम जो पोएम लिखते हैं उस टाइम ही यूज़ करते हैं। और इनका बॉर्न है, ये रियल में इनका नाम बसाल्टो है और इनका बर्थ पैरल इन चिले में हुआ था। नेरुडास पोइम आर फुल ऑफ इजीली अंडरस्टूड इमेजेस विच मेक देम नो लेस ब्यूटीफुल। इट मींस इनकी जो पोइम्स होती थी उसमें बहुत अच्छी अच्छी इमेजेस होती थी और बहुत ही ब्यूटीफुली होती थी। ही वन द नोबल प्राइज़ फॉर लिटरेचर इन द ईयर 1971 में उन्होंने लिटरेचर में नोबल प्राइज़ जीता। इन दिस पोइम नेरुडास टॉक्स अबाउट द नेसेसिटी ऑफ क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन। इंट्रोस्पेक्शन मीन्स होता है अपने आप ही सेल्फ, अपने आप को जानना, आत्मचिंतन करना, एंड क्रिएटिंग ए फीलिंग ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अमोंग ह्यूमन बींग्स। तो ये ये दोनों जो है ये हमारे इस पोइम की थीम भी बनते हैं, इंट्रोस्पेक्शन और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अमोंग ह्यूमन बींग। ठीक है, अब हम अपनी पोइम है वो स्टार्ट करते हैं। Now we will count to 12 and we will all keep still। पोइट कहता है कि मैं 12 तक काउंट करता हूँ तब तक हम सब लोग एक जगह पर शांति से खड़े हो जाएंगे। For once on the face of the earth let's not speak in any language। अब अर्थ में आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ है, ऐसा पहली बार होगा जो आज तक कोई भी नहीं कर पाया है। हम आज कुछ नहीं बोलेंगे, हम कोई लैंग्वेज भी नहीं बोलेंगे। लेट्स स्टॉप फॉर वन सेकेंड, हम एक सेकेंड के लिए रुक जाते हैं। एंड नोट मूव आवर आर्म्स सो मच, और हम बिल्कुल भी मूव नहीं करेंगे हमारे जो बाजुए हैं। यहाँ पे आर्म्स है वो वीपन्स को भी कहा गया है कि हम आज एकदम शांत रहेंगे। और लैंग्वेज देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे बताया गया है कि हम आज कोई भी लैंग्वेज नहीं बोलेंगे। तो ये एक साथ लोगों को टुगेदर करके पॉइंट रखना चाहते हैं कि आज हम अगर कोई लैंग्वेज नहीं बोलेंगे, क्योंकि लैंग्वेज है वो लोगों को सेपरेट करती है। डिफरेंट डिफरेंट पीपल डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज बोलते हैं। अगर वो लैंग्वेज अलग बोलेंगे तो उनके बीच वो लोग भी टुगेदर नहीं रहेंगे, अलग अलग हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। इसलिए पोइट कहता है कि आज हम कोई कुछ नहीं बोलेगा, कोई लैंग्वेज नहीं बोलेंगे और न ही कोई भी अपना हथियार उठाएगा। चलिए आगे देखते हैं। इट वुड बी एन एजोटिक मूमेंट, आज का ये सबसे स्ट्रेंज मूमेंट है। विदाउट रश विदाउट इंजन, आज कोई रश नहीं होगा, कोई भीड़ भाड़ नहीं होगी और न ही कोई विदाउट इंजन, कोई मशीनें काम नहीं करेंगी। वी वुड ऑल बी टुगेदर, और आज सब मिलकर रहेंगे। देखिए वी वुड में यहाँ पे एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ है। इन ए सडन स्ट्रेंजनेस, एकदम सब लोग मिलकर रहेंगे। और ये क्या दिखाता है, अचानक हुई एक स्ट्रेंजनेस। फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म वेल, फिशरमैन है वो आज फिश का शिकार नहीं करेंगे कोल्ड सी में, ना ही किसी व्हेल को हार्म करेंगे। तो इन लाइनों में पॉइंट है वो बताना चाहता है कि हमें किसी भी एनिमल को हार्म नहीं करना चाहिए। एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड लुक एट हिज हार्ट हैंड्स, और जो लोग सी में से सॉल्ट को गैदर करते हैं वो लोग भी आज कुछ नहीं करेंगे। और तो यहाँ पे देखिए गैदरिंग सॉल्ट के का ये मतलब बताया गया है कि जो ह्यूमन बीइंग है, आदमी है, वो कुछ कभी अचीव करता है और लॉस कर देता है। तो वो इसके पीछे यही उसका मोटिव बन जाता है कि मुझे बस कुछ ना कुछ अचीव ही करना है, और वो और बातों पे ध्यान नहीं दे पाता है, अपना इंट्रोस्पेक्शन होता है, अपना आत्मचिंतन है वो नहीं कर पाता है। आगे है दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स, देखो वो लोग जो प्रिपेयर करते हैं ग्रीन वॉर्स। ग्रीन वॉर्स यहाँ पे नेचर को कहा गया है, प्रकृति को कहा गया है कि इंसान है वो प्रकृति को डैमेज करता जा रहा है, पेड़ काटते जा रहा है। तो पोइट ने यहाँ पे नेचर के ऊपर फोकस किया है। वॉर्स विद गैस, वो लोग जो गैस के साथ गैस छोड़ देते हैं, गैस वाले वॉर्स लड़ते हैं।
और लोगों को मार देते हैं, वॉर्स विद फायर, और फायर से लोगों को मार देते हैं, ऐसे युद्ध लड़ते हैं, विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स, वो जीत तो जाते हैं लेकिन उनकी जीत कैसी है कि कोई सर्वाइव करने वाला तो नहीं बचता है। वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स, अपने क्लीन क्लोथ पहनो, क्लीन क्लोथ्स यहाँ पे न्यू लाइफ को कहा गया है कि हम अपनी न्यू लाइफ से कुछ ना कुछ सीखेंगे, एंड वॉक अबाउट देयर विद देयर ब्रदर्स, तो वो कहते हैं कि अपने जो ब्रदर्स, यहाँ पे एनिमी को कहा गया है, दुश्मनों को, और अपने एनिमी को अपने ब्रदर्स के जैसे समझो। तो पोइट यहाँ पे बताता है कि ऐसी जीत का क्या फ़ायदा जो सब कुछ ख़त्म कर दे और कोई सर्वाइव करने वाला ही ना बचे, इन द शेड डूइंग नथिंग, और इस आज इस शेड में कुछ ना करें कि आज लोग एकदम शांत रहें। आगे है, वॉट आई वॉन्ट शुड नॉट बी कन्फ्यूज्ड, मैं ये नहीं चाहता विद टोटल इन एक्टिविटी, कि हम टोटली ही कोई एक्टिविटी ना करें। लाइफ इज वॉट इज इट इज अबाउट, आई वॉन्ट नो ट्रक विद डेथ, मैं ये नहीं चाहता कम्प्लीटली कि हम लोग बैठ जाए, लेकिन लाइफ हमारी जो लाइफ है वो तो एक एक्टिविटी है। आई वॉन्ट नो ट्रक विद डेथ, और मैं ये भी नहीं करता कि जो डेथ है वो हमारे ऊपर विक्ट्री पाले। इफ़ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड, अगर हम लोग सिंगल माइंडेड होना छोड़ दे, सिंगल माइंडेड मतलब कि सब लोग है वो अपनी ही बारे में सोचते हैं, अपनी ही चीज़ों को प्राप्त करना चाहते, अबाउट कीपिंग अवर लाइव्स मूविंग एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग, हमें हम लोग सब लोग चाहते हैं कि हमारी लाइफ है वो लाइफ में मूविंग चाहते हैं, सब लोग अपना ही काम करना चाहते हैं। परहैप्स आई ह्यूज साइलेंस माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस, अगर हम इस तरह से सब लोग मिलकर रहेंगे, साइलेंस एक दिन साइलेंस रखेंगे तो हम ये हमारी सैडनेस को भी तोड़ देगी, क्योंकि हमें अपने आप के बारे में पता चल जाएगा, आत्मचिंतन करेंगे तो हमें अपनी खूबियाँ पता चलेंगे कि हम क्या हैं। ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवर सेल्व्स एंड द थ्रेटनिंग आवर सेल्फ विद डेथ, क्योंकि हम लोगों ने कभी भी अपने आप को नहीं समझा है, नेवर अंडरस्टैंडिंग आवर सेल्फ, और हमेशा डेथ से थ्रेट करते रहते हैं, थ्रेटनिंग होती रहती, हमें डेथ से डर लगता रहता है। उसके बाद लास्ट स्टैंजा है, परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस एज व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड एंड लेटर प्रोवाइड टू बी अलाइव, ये सब कुछ हमें अर्थ ने ही सिखाया है। As when everything seems dead and later provide to be alive, भले ही हमें एक बार के लिए ये dead लगे लेकिन सब कुछ है वो जीवंत है। Now we'll count up to 12, अब मैं फिर से 12 तक गिनता हूँ, and you keep quiet and I will go, हम पहले हम लोग एकदम शांति से रहेंगे, कुछ नहीं बोलेंगे, ना ही कोई मूवमेंट करेंगे, एंड आई विल गो, फिर मैं चलता हूँ, और ये संदेश दूसरे लोगों को भी देता हूँ कि हमें अपने आप के बारे में अपनी अंडरस्टैंडिंग करनी चाहिए, अपने आप को समझना चाहिए। स्टूडेंट अब इसके हम कॉम्प्रिहेंशन करते हैं। फर्स्ट देखिए, फर्स्ट स्टेंजा जो हमारा है, नाउ वी विल से लेकर सो मच, यहाँ तक कि मैं जो जो क्वेश्चन बन रहे वो करते हैं। तो फर्स्ट है, लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, से द पॉइंट वाई, तो आंसर है, द पीपल ऑफ द वर्ल्ड हैव बीन इंडलिंग इन वॉर्स एंड ब्लड शेड्स इन माइनर एक्सक्यूज, इफ़ दे वर क्वाइट दे मे नॉट इंडल्ज इन रीजनिंग डिस्पाइट एंड क्वेल्स, सो लेट्स हिम be quiet and not speak in any language, this will ensure peace and prosperity. In next hai, what should we not do for a second, answer hai, we should cease all activities for a second, man has used his arms only to kill the destroy others, therefore let them not move their arms so much as to harm others. Next stanza hai, नेक्स्ट में इट वुड बी एन ऑग्जस्ट मूवमेंट से लेकर हार्ट हैंड्स तक, तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन हमारा बन रहा है, देर विल बी पीस ऑल सॉरी व्हाट विल हैपन इफ देर इज नो रस और रनिंग और इंजन, तो इसका आंसर है, देर विल बी पीस ऑल अराउंड इफ देर इज नो रस और द साउंड ऑफ रनिंग ऑफ इंजन्स एंड मशीन। नेक्स्ट है, हाउ वुड All of us feel at the moment, तो इसका आंसर हो रहा है, All of us will enjoy the unusualness and sudden changes
ऑफ दैट मोमेंट। नेक्स्ट थर्ड स्टेंजा है, थर्ड स्टेंजा, दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर से लेकर ट्रक विद डेथ तक। हम अब इसके आंसर करते हैं, इसके क्वेश्चन, दो क्वेश्चन जो बन रहे हैं वो, और इसके आंसर करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, व्हाट शॉर्ट ऑफ वर्ड्स आर मेंशन इन द अबोव लाइंस। आंसर है ग्रीन वॉर्स, वॉर्स वॉज पॉइजन गैस, एंड वॉर्स वॉज फायर एंड डिफरेंट काइंड ऑफ वॉर्स। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू द पोइट वॉट शुड इट नॉट बी कन्फ्यूज विद, वॉट डज द पोइट रिफ्यूज टू डील विद। तो आंसर है द पोइट इज एडवोकेटिंग फॉर साइलेंस और स्टीलनेस, स्टीलनेस शुड नॉट बी कन्फ्यूज दैट टोटल इनएक्टिविटी, टोटल इनएक्टिविटी ब्रिंग डेथ। The poet refused to associate or deal with death. Thus, he is not advocating for death. Next stanza है, If we were not a single-minded से लेकर last I will go. तो इसमें question बन रहा है, What do people pursue single-mindedly? Which is the better course the poet suggests? तो answer है people pursue single-mindedly on keeping their lives moving. The poet suggests that it would be better if they give themselves rest for some time, for once they may do nothing. Next question है, why can a huge silence do us good? आंसर है ह्यूज साइलेंस कैन डू अस ए लोट ऑफ गुड व्हेन वी आर डिसअपॉइंटेड एट नॉट अंडरस्टैंडिंग आवर सेल्फ एंड थ्रेटनिंग आवर सेल्फ विद डेथ। ठीक है स्टूडेंट्स, आवर पोएम एक्सप्लेनेशन एंड कॉम्प्रिहेंशन इज कम्प्लीट। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस क्वेश्चन आंसर एंड फिगर ऑफ स्पीच इन दिस पोएम। थैंक यू।